40 परिवार अनाथ हो गए क्योंकि बोला नहीं। जो मांग की थी सीआरपीएफ ने कि उन्हें आतंकवादियों से खतरे को देखते हुए हवाई जहाज से दिल्ली भेजा जाए। मैं पुलवामा दो बार गया हूं और इतनी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हैं कि वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया समझ से भरे है। खैर, इसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, जांच हुई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इतना ही कहूंगा कि हमें इन सैनिकों का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है और विशेषकर जो शहीद के परिवार हैं उनकी देखभाल करने की जवाबदारी सरकार की होती है। सरकार इसके लिए जो कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई थी, देखिए चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती।